अस्सलामुअलैकुम, सारे कैसे हैं? सारी मेरी फैमिली, चुले मुझे आंटियाँ, बेटियाँ, भाजियाँ, आपियाँ सब कैसे हैं? ईद की तैयारी कैसे जा रही है? किसे किसे ईद की तैयारी कर ली है और किस किसने नहीं की है, और किस किसने कर ली है और किस किसने नहीं कर ली है? ठीक है, सब मेरे से शेयर करें और अपने कपड़ों की डिज़ाइन दिखाएँ। आज मैं बनाने लगी हूँ शिमला मिर्च का कीमा। दिन में मैं नहीं बना सकती थी, सफाई वगैरह की वजह से, तो अब हम इस टाइम बना रहे हैं खाना। कि मैंने प्याज ब्राउन करने रख दिया है, कीमे को हमने अच्छी तरह धो लिए हैं। ये मटन का कीमा है, ठीक है। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा सा अगर सब्ज़ वगैरह मसाला डालेंगे भून लेंगे, इससे होगा कि शिमला मिर्च कीमा में खुशबू आ जाएगी। ये देखते हैं कि मैंने बिल्कुल 3-4 लौंग, 4-5 काली मिर्च, 3-4 छोटी इलायची और दालचीनी डाल दी, ठीक है। ये हमने भून लिया थोड़ा सा। अब हम इसमें डालते हैं कीमा। ये कीमा मैंने थोड़ा भून लिया था, ठीक है। उसमें मैंने अब डाल दिया था लहसुन अदरक, ठीक है। हम उसको मज़ीद भूनेंगे। पहले हम डालेंगे मैं सूखा धनिया, ठीक है। फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के ना 5 मिनट हल्की आंच पे पकने देंगे। मैंने सारा नहीं यूज़ किया, हाफ रख लिया, हाफ मैंने यूज़ कर लिए। हमें सिर्फ रात को खाना है, तो बच्चे एक खाना सेकंड टाइम दोबारा खाएंगे नहीं, हम फिर वही खाएं जो कल खाया था। हमारा कीमा भून गया सही तरह, अदरक के साथ भी, ठीक है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे पिसा हुआ धनिया, ठीक है। हम 5 मिनट उसको थोड़ी हल्की आँच पे, बहुत हल्की नहीं है, मीडियम और हल्की भी लगा रहे हैं, कर देंगे ढक। ये देखें हमारा कीमा भुन गया था, ठीक है, सूखे धनिया में। फिर हमने उसमें डाला है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून काली मिर्च आ जाएगा। उसमें 1 टेबल स्पून जीरा जाएगा और 1 टेबल स्पून काली मिर्च आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मसाला थोड़ा भून लेते हैं, मसालों को सही तरह पीने के बाद। फिर हम थोड़ा टमाटर ऐड करते हैं, साथ थोड़ा सा पानी ऐड करके टमाटर गलने देते हैं। आप जमी बहुत आता है, स्ट्रॉबेरी काम में लगी, थोड़ा ज़्यादा फील हो रही है। ये मैंने इसमें मसाला डाल के उसको भून लिया था। मैं 2 टमाटर डाले हैं, अब मैं इसको हल्की आँच में थोड़ा पकने देता हूँ कि कीमा भी गल जाएगा और मटर भी इसमें गल के सही तरह मिक्स हो जाएंगे। फिर हम भूनेंगे और थोड़ा सा दही ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। ये देखें मैंने आटा भी तकरीबन ऑलमोस्ट गूंथ लिया है। देखें जी, मेरा ना पानी खुश्क हो गया था, टमाटर गल गए थे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है, साथ साथ मैंने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून दही ऐड किया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी सी तेज़ आंच में भूनेंगे और फिर हम इसमें शिमला मिर्च ऐड, कुछ लोग शिमला मिर्च फ्राई करके ऐड करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी ऐड करके उसको दम पर रख देते हैं तो गल जाती है, तो मैं ऐसे ऐड करके रख दूँगी, फ्राई करने का टाइम नहीं है आज, गर्मी बहुत है, एक्स्ट्रॉर्डनरी। देखिए दही को भून लिया था मैंने सही तरह, ठीक है। उसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी, शिमला मिर्च मुझे एक्स्ट्रॉर्डनरी पता है, मैं थोड़ी ज़्यादा ही ऐड कर दी, कोई बात नहीं, कच्ची भी खा लेती तो ये एंड तक के अब तो बच्चे ही रहते हैं, ठीक है। मैं उसको ढक देते दम पर, आज आपने हल्की रखी ताकि शिमला मिर्च टेंडर हो जाए। ये उसको भूनते हुए थोड़ा सा गिर गया मैं ऑयल, चलें अभी हमारी कीमा करेले की, और हमें थोड़ा सा पिसा मसाला छिड़का, ठीक है।